आज सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ रिलीज हुई है। इस फिल्म से सारा अली खान बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही हैं। वैसे तो ये फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही काफी ज्यादा चर्चा में थी, लेकिन रिलीज के बाद इसे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है जिसकी इस फिल्म से उम्मीद की जा रही थी। हालांकि फिल्म में सारा अली खान के एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि जिस तरह से सारा की ये पहली फिल्म थी उन्होंने इसमें काफी अच्छा काम किया है। लेकिन अब हम आपको वो तीन बातें बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से फीकी पड़ गई केदारनाथ। पहली वजह, फिल्म की कहानी। दरअसल फिल्म की कहानी बॉलीवुड की पुरानी लव स्टोरी कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है और फिर लोग इन्हें अलग करने में लग जाते हैं। हालांकि फिल्म में केदारनाथ में 2013 में हुई तबाही को जोड़कर डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने एक नया ट्विस्ट लाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन उनकी ये कोशिश इस फिल्म में नाकामयाब होती नजर आ रही है। दूसरी वजह, नेगेटिव रिव्यूज। फिल्म को लेकर कई विवाद चल रहे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि फिल्म लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी को दिखाया गया है, जिसके चलते फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही है। ये भी एक बड़ी वजह बन सकती है इसके खराब बिजनेस की। तीसरी और आखिरी वजह, 2.0 से क्लैश। अब आप सोच रहे होंगे कि 2.0 तो इसकी काफी पहले 29 नवंबर को ही रिलीज हो चुकी है, तो हम आपको पहले ही बता दें कि ये आसार पहले से ही लगाए जा रहे थे कि 2.0 के चलते केदारनाथ का बॉक्स ऑफिस पर टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2.0 अपनी रिलीज के 8वें दिन तक भी खूब धमाल मचा रही है और ऐसे में 2.0 के आगे फैंस केदारनाथ को देखना कम ही पसंद कर रहे हैं। फिलहाल इतनी जल्दी किसी डिसीजन पर पहुंचना शायद सही नहीं होगा, तो अब देखना होगा कि केदारनाथ इस वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर कितना जादू दिखाती है। तो अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।